ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आखिर क्यों भगवान शिव की पूजा में कपूर का उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा महादेव की पूजा में कर्पूर गौरम करुणा अवतारम गाते हैं तो कपूर जलाते हैं। पर क्या जानते हैं, पूरी जिंदगी बीत गई कपूर जलाते जलाते, पर ये नहीं पता कि भगवान शिव की पूजा में या अन्य भगवान की पूजा में कपूर क्यों जलाते हैं। तो शिव महापुराण में वर्णित है कि भगवान राम ने जब अश्वमेघ किया तो उसके पहले देवताओं ने यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का जो अश्व था उसको कहाँ भेजा जाए ताकि दूसरा युद्ध ना हो सके। ऐसा जब देवता सोचने लगे तब भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा कि मैं इस अश्व को कपूर का रूप देता हूँ और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूँ। तब भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप बताओ कि कपूर अग्नि में जब डालोगे तो उसका क्या फल होगा। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा। तो अश्वमेघ यज्ञ का फल पाने के लिए भगवान की पूजा में कपूर जलाया जाता है और कपूर को एक ही क्षण के लिए जलाया जाता है। जब तक थाली में कपूर जले तब तक थाली नीचे नहीं रखी जाती, ऐसा कपूर जलाने का नियम है, क्योंकि कपूर जलाने से देव दोष पितृ दोष कभी लग ही नहीं सकता। हर हर महादेव।